अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ योर नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ मंथ ऑफ सितंबर। आई एम योर मैथ टीचर। एज यू नो दैट योर मंथ ऑफ सितंबर सिलेबस हैज़ बीन स्टार्टेड एंड दिस इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक and I hope you all understand my previous assignment and I hope you all have done your work with very neat and clean handwriting। student, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपना मंथ ऑफ सेप्टेम्बर का काम स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है और लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताया, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन स्टार्ट हुआ। लास्ट टॉपिक जो डिवीजन का स्टार्ट हुआ, तो उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट असाइनमेंट। लॉन्ग डिवीज़न, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हमने लास्ट असाइनमेंट किया था तो उसमें मैंने आप लोगों को डिवीज़न की बेसिक चीज़ें बताई थी। डिवाइज़र क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है और क्यूटेंट और रिमाइंडर क्या होता है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। डिवाइज़र टेबल को कहते हैं, जो नंबर बॉक्स के बाहर लिखा होता है वो टेबल होते हैं। हम वो नंबर जैसे कि 2 लिखा है उसका टेबल पढ़ेंगे, इसी तरह बॉक्स के अंदर जो नंबर लिखा होता है वो डिवाइडेंड होता है। मींस कि आपने डिवाइज़र को इतना पढ़ना होता है कि डिवाइडेंड आपका आ जाए। जैसे कि आपके डिवीज़न बॉक्स के अंदर 14 लिखा हुआ है और बाहर 2, तो आप 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि आपका 14 आ जाए। तो 2 का टेबल जब आप स्टार्ट करते हैं, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। तो हमारा जो है 7 टाइम जो है वो हमने टेबल पढ़ा, 2 का टेबल 7 टाइम पढ़ा तो 14 आया। अब इसमें 7 जो है वो आपका आंसर है और इसको क्यूटेंट कहा जाता है। चलें अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लॉन्ग डिवीज़न की तरफ चलते हैं। इसमें आपको आज मैं रिमाइंडर के बारे में बताऊंगी कि हम रिमाइंडर किस तरह लेते हैं, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ मैं आप लोगों को ट्रू और फॉल्स बता रही हूँ, ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, इसमें ट्रू और फॉल्स आपने बताने हैं। नंबर ए, इन 25 डिवाइडेड बाय 5, नंबर 25 इज़ द डिवाइज़र। 25 को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या 25 जो है वो डिवाइज़र है, ये आपने बताना है। दिस इज़ फॉल्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिवाइज़र होता है वो
बॉक्स के बाहर होता है और वो टेबल होता है। तो डिवाइज़र इसके अंदर 5 है, 25 नहीं है, तो ये फॉल्स है। बी, इफ़ यू डिवाइड 40 बाय 5 द क्यूटन इज़ 8। अगर हम 40 को डिवाइड करते हैं 5 से तो इसका क्यूटन 8 आता है। 5 को डिवाइड करें 40 से, 5 का टेबल इतना पड़े कि 40 आ जाए। 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, 5 फाइव ज़ा 25, 5 सिक्स ज़ा 30, 5 सेवन ज़ा 35, 5 एट ज़ा 40। तो हमारा जो आंसर आया वो 8। आंसर जो होता है डिवाइड के अंदर वो क्यूटेंट होता है, तो ये आंसर ट्रू है। इफ़ यू डिवाइड 40 बाय 5 देन क्यूटेंट इज 8, दिस इज ट्रू। इफ़ यू डिवाइड 16 बाय 4 द रिमाइंडर इज 0। अगर हम 4 का टेबल इतना पढ़ें कि 16 आ जाए और इसका रिमाइंडर 0 हो तो कैसे पता चलेगा? मैं 4 का टेबल पढ़ रही हूँ और देखें कि 4 के टेबल में 16 आता है या नहीं। 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 फोर ज़ा 16। तो 4 के टेबल में 16 आता है। अगर 16 को 16 से माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा, रिमाइंडर 0 होगा। सो दिस इज ट्रू। इफ 42 इज डिवाइडेड, इफ 42 इज द डिवाइडेंड एंड द 7 इज द क्यूटेंट देन डिवाइजर विल बी 8। अगर 42 डिवाइडेंड है और 7 क्यूटेंट है देन डिवाइजर विल बी 8, दिस इज फॉल्स। फोर्टी टू अगर डिवाइडेंड है और 7 क्यूटेंट है तो 8 डिवाइजर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 6 का टेबल हम 8 का टेबल अगर हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो 56 आएगा, जबकि 42 6 या 7 के टेबल में आता है। तो 6 का टेबल अगर हम 7 टाइम पढ़ते हैं तो 42 आता है, तो दिस इज़ फॉल्स। 37 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 37। 1 को अगर हम डिवाइड करें 37 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर 37 ही आएगा। दिस इज ट्रू। स्टूडेंट्स, ये काम आप लोगों को अपनी कॉपी में करना है, बहुत नीट और क्लीन कीजिएगा और ट्रू और फॉल्स ब्लू कलर से लिखिएगा। और शुरू से आखिर तक वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ जाए। चलें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों का है, ये आपका डिवाइड का साइन है। जब हम डिवाइड करते हैं तो इस तरह का साइन बनाते हैं।
ये डिवाइज़र है। 6 ये डिवाइडेंड है 42। 6 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि 42 आ जाए। तो मैं 6 का टेबल पढ़ूंगी। 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18, 6 फोर ज़ा 24, 6 फाइव ज़ा 30, 6 सिक्स ज़ा 36, 6 सेवन ज़ा 42। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 6 का टेबल पढ़ा 7 टाइम, तो आंसर हमारा आया 42। ये हमारा पहला स्टेप जो था टेबल पढ़ने का था। हमने टेबल पढ़ा, टेबल इतना रीड किया कि हमारा जो बॉक्स के अंदर नंबर है वो आंसर आ गया। अब हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आप देखें आंसर क्या आता है, इसका रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 7। एट हमारा डिवाइजर, 16 डिवाइडेंड, मतलब 8 का टेबल हमें पढ़ना है और इतना पढ़ना है कि 16 आ जाए। तो मैं 8 का टेबल पढ़ने जा रही हूँ। एट वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 को हमने 2 टाइम पढ़ा तो 16 आया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में माइनस करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं टेबल पढ़ रही हूँ और मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई का जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम लोगों को टेबल का याद करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर टेबल याद नहीं करेंगे तो आप लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ नहीं कर सकते। टेबल इस का मेन टॉपिक है। अगर आप टेबल याद नहीं करेंगे तो आप लोग कभी भी ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको टेबल याद नहीं होंगे तो आप सॉल्व तो नहीं कर सकते ना डिवाइड या मल्टीप्लाई, और आंसर भी गलत हो जाएंगे। तो टेबल्स ज़रूर याद करें। मैंने आप लोगों को जब मल्टीप्लाई का टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों को मैंने कहा था कि टेबल्स याद कर लें, और मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो जो मैंने मल्टीप्लिकेशन के स्टार्ट की थी उसमें मैंने टेबल्स भी दिए थे। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग देखिएगा वीडियो को, कि उसमें मैंने 15 तक के टेबल्स आप लोगों को बताए थे, मैंने उसमें मेंशन भी किए थे। तो प्लीज़ टेबल्स याद ज़रूर करें। चलें अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइव 25, 25 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 25 आ जाए। 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, 5 फाइव ज़ा 25।
5 का टेबल हमने 5 टाइम पढ़ा तो हमारा आंसर 25 आया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। दिस इज़ रिमाइंडर, हमारा आंसर क्या है, 5। ठीक है, 5 5 ज़ा 25। फोर डिवाइडेंड हमारा 36 है, 4 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 36 आ जाए। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36। माइनस करें तो रिमाइंडर हमारा क्या हुआ, 0। आंसर क्या है हमारा, 9। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखिएगा कि मैं आप लोगों को जो नंबर डिवाइडेंड्स आ रहे हैं वो नीचे भी लिख रही हूँ। ये लिखना ज़रूरी होता है, ये बार बार लिखना। जैसे 4 9 ज़ा 36, तो 36 मैंने 36 के नीचे लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। ये डिवाइड के अंदर ये स्टेप्स आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह करना ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले इसमें बताया, 6 7 ज़ा 42, और फिर मैं नीचे 42 मैंने लिखा, और फिर मैंने माइनस किया, रिमाइंडर 0 आया। ये आपने करना ज़रूरी होता है, यानी कि आपने आंसर लिख दिया कि मेरा ये आंसर आ रहा है और बस ख़त्म। दिस इज़ इनकम्प्लीट आंसर, ये कम्प्लीट कभी नहीं होता। तो आप लोगों को इस तरह लिखना ज़रूरी है, अपने आंसर को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करें। ई नाइन डिवाइडेड बाय 27। 27 को 9 से डिवाइड करना है। 9 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि 27 आ जाए। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27। अब आप देखें, मैंने ये 27 मैंने बोला, अब मैं 27 यहाँ लिखूँगी क्योंकि मुझे माइनस भी करना है। रिमाइंडर कैसे लेंगे फिर हम? अब हमने माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0। रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो आंसर क्या था हमारा, 3। इसी तरह 6 डिवाइडेंड 48, 6 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 48 आ जाए। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48। माइनस करें, रिमाइंडर हमारा 0 आया, आंसर 8 आया। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है, जितना बताया उतना ही कीजिए। और आई रिपीट अगेन, प्लीज़ लर्न टेबल 2 to 15, क्योंकि आप लोगों के 15 तक के टेबल हैं। चलें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर। यहाँ आप लोगों को रिमाइंडर बताना है।
फाइव, 28। फाइव के टेबल में इतना पढ़ना है कि 28 से कम आ जाए, क्योंकि फाइव के टेबल में 28 तो आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे कम नंबर लेंगे। कभी ज़्यादा नंबर हम नहीं लेते, हम कम नंबर लेते हैं। फाइव का टेबल हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स ज़ा थर्टी। 28 से ज़्यादा हो गया 30, तो हम फाइव फाइव ज़ा 25 करेंगे। ये क्यू मैंने जो लिखा है, ये क्यूटेंट है। फाइव फाइव ज़ा 25 माइनस करें, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर रिमाइंडर जो हुआ वो क्या हुआ, 3। ये आपका रिमाइंडर है, जो माइनस करने के बाद 8 में से 5 माइनस करने के बाद जो 3 आंसर आया वो आपका रिमाइंडर है। क्यूटन क्या है, 5, और रिमाइंडर क्या है, 3। इसी तरह फोर डिवाइड करेंगे 19 से। फोर का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 19 से कम आ जाए। फोर के टेबल में 19 तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, फोर के टेबल को इतना पढ़ेंगे कि 19 से कम आ जाए। तो मैं टेबल रीड आउट कर रही हूँ। फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर फोर ज़ा 16, फोर फोर ज़ा 16। 19 से स्मॉल नंबर क्या है, 16। अगर मैं फोर फाइव ज़ा 20 करूँगी तो 19 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने कम पढ़ना है, 19 से लेस लेना है नंबर। फोर फोर ज़ा 16 माइनस करें, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 3। तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 3। थ्री डिवाइडेड बाय 22। थ्री के टेबल में 22 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, थ्री सिक्स ज़ा एटीन, थ्री सेवन ज़ा 21, थ्री एट ज़ा 24। अब 22 से बड़ा हो गया 24, तो हम थ्री सेवन ज़ा 21 करेंगे, माइनस करेंगे। टू में से 1 माइनस करें, 1 आया, तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 1। यहाँ आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहे हैं, तो ये रिमाइंडर है। जैसे मैंने 37021 किया तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आंसर आया, तो ये रिमाइंडर है। और जो ऊपर क्यू लिखा है वो क्यूटेंट है। ये शो करना इसके अंदर ज़रूरी है कि आपको पता चल जाए कि इसमें क्यूटेंट कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है। इसी तरह डी, फोर 27, फोर का टेबल इतना पढ़ना है कि 27 से कम आए। फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर फोर ज़ा 16, फोर फाइव ज़ा 20, फोर सिक्स ज़ा 24, फोर सिक्स ज़ा 24। अब माइनस करें, 27 से हमने कम लिया है, माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या हुआ हमारा, 3।
इसी तरह 6 30 6 का टेबल इतना पढ़ना है कि या तो 30 आ जाए या 30 से कम आ जाए। 6 की टेबल में 30 आता है। अगर आप लोगों को टेबल याद होंगे तो आप लोग फौरन आपके जो है माइंड क्लिक करेगा कि इस टेबल में ये आंसर आ रहा है। तो 6 का टेबल मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। माइनस करें, 30 में से 30 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो रिमाइंडर हमारा क्या हुआ? 0। सेवन 37। 7 का टेबल इतना पढ़ना है कि 37 से कम आ जाए। अब फौरन से हमारे माइंड में आ गया ना कि 7 के टेबल में 37 नहीं आता, तो हम 37 से कम नंबर लेंगे। ये बच्चों ये याद रखिए कि जो नंबर आपके पास इस वक्त आ रहे हैं, हमें इनसे कम नंबर लेने, इनसे ज़्यादा नंबर नहीं लेने। इसमें ये काम ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इसमें इन टेबल को पढ़ने के वक्त आपने जो नंबर आ रहे हैं इनसे कम नंबर लेने हैं। क्योंकि अगर आपको पता चल रहा है कि ये टेबल के अंदर ये नंबर नहीं आ रहा, तो हमने इससे कम नंबर लेना है ताकि हम इसको रिमाइंडर में ला सकें। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो कभी भी माइनस नहीं हो पाएगा, हमें कम नंबर लेना है। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 27, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। माइनस करें, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 2। रिमाइंडर क्या हुआ? 2। स्टूडेंट्स यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि क्यूटन और रिमाइंडर जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है उस तरह लिखना ज़रूरी है। और ये इसमें जो नंबर्स डिवाइडेंड्स लिखे हुए हैं, अगर उस टेबल में नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है? उनसे कम नंबर लेने हैं। जैसे मैंने आपको बताया 5 के टेबल में 28 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे कि 5 के टेबल को इतना पढ़ेंगे कि 28 से कम आ जाए। तो 5 5 25 हमने पढ़ा, तो हमारा जो है रिमाइंडर हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम 5 6 30 करेंगे तो 28 से बड़ा हो गया, तो हम रिमाइंडर कभी भी नहीं निकाल सकते। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये काम बिल्कुल इसी तरह अपनी कॉपी में करना है और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को कभी इसमें प्रॉब्लम ना हो, और टेबल्स ज़रूर याद करें। चलें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाउ टू चेक आवर आंसर, हम डिवाइड करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर हमारा सही आ रहा है? तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहले देखें कि ये हम एग्जांपल है 6 26। हमें पता है कि 6 के टेबल में 26 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? 6 के टेबल को इतना पढ़ेंगे कि 26 से कम नंबर लें, 26 से ज़्यादा नहीं लेना, 26 से कम नंबर लेना है। तो मैं 6 का टेबल रीड आउट कर रही हूँ। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 4 24। माइनस करें, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 2। ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि रिमाइंडर लेते हैं। अब आपको इसमें मैं पार्ट्स बताऊंगी कि कौन कौन से पार्ट कौन से हैं। ये डिवाइज़र है जो कि टेबल होता है, दिस इज़ डिवाइडेंड कि हमने इतने टाइम हमने टेबल पढ़ना है या इससे कम पढ़ना है या इतना पढ़ना है। फोर आपका क्यूटेंट है,
ये आंसर था टेबल, जितने कितने टाइम हमने टेबल पढ़ा था तो हमारा ये आंसर आया था, ये हमारा क्यूटेंट है। दिस इज रिमाइंडर, नंबर को माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आया था वो रिमाइंडर था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये आंसर सही है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्यूटेंट को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र से, फिर प्लस करेंगे रिमाइंडर से। जैसे 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से, 4 6 24 हो गया। अब 24 को प्लस करेंगे हम 2 से, 4 6 24, 24 को 2 प्लस में 2 प्लस किया तो हमारा आंसर डिवाइडेंड आ जाएगा 26। 4 6 24, 24 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 26 आ गया। ठीक है, हमने इस तरह आंसर चेक करना होता है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि कभी ऐसा होता है कि हम आंसर कर लेते हैं और उसके बाद हम आंसर हमें कंफ्यूजन हो रही होती है कि ये आंसर सही भी है या नहीं। अगर आप हर क्वेश्चन के बाद अगर इस तरह से फॉर्मूला लगा लें तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माई वीडियो, सो कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और काम को बहुत अच्छे अंदाज में कीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट योर वर्क, दैट यू हैव डन योर वर्क विथ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, एक्सीलेंट वर्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।